समाचार आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद कन्नौज पूर्वी बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही इनोवा को मारी टक्कर। कार सवार महिला सहित तीन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना कर भाग रहे ट्रक को घेरा। ट्रक चालक ग्रामीणों को चकमा देकर हुआ फरार। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाकर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। कन्नौज से मोबीन मंसूरी की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। ट्रक वाले ने ठोक दिया, क्या कर सकते? कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे आप? कानपुर से आ रहे थे, फर्रुखाबाद जा रहे थे। किस कार से जा रहे थे? बारात की कार, हमारे छोटे भाई की शादी है। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? उसमें पूरी 7-8 लोग घायल हो गए। किसी गंभीर चोटें आई? किसी दो लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर पीछे बैठे भैया हमारे। क्या नाम है? नाम संतोष मिश्रा। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ जा रहे थे? फर्रुखाबाद। क्या कोई शादी आदि? शादी थी, भतीजे की शादी थी सर। उसी में जा रहे थे, उधर से टक्कर आ रहा था, इधर समझा रहे सर बड़ा देखे, तो टक्कर ने टक्कर मार दी। कहाँ पर घटना हुई? पार्क चौराहे पे। कितने लोग घायल हैं? छह लोग। अभी कहाँ है इस टाइम? जिला अस्पताल में सर। संतोष मिश्रा। क्या हुआ? अरे वो ओवरटेकिंग करके ट्रक वाले ने सामने से मार दिए मुझे, पाल चौराहे पे। कहाँ पे हुआ? ये पाल चौराहे के पास। कहाँ जा रहे थे आप लोग? ये हम लोग जा रहे थे फर्रुखाबाद। क्या शादी आदि में? हाँ बारात में। कितने लोग घायल हैं अभी? अब ये जानकारी नहीं है, 2-3 लोग हैं।